अक्सर डायबिटीज़ के अल्सर या बड़े ज़ख्म ठीक होने को बहुत टाइम लगाते हैं। इसके लिए वैक्यूम ड्रेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्यूम ड्रेसिंग के पहले ज़ख्म को क्लीन और साफ़ किया जाता है और फिर स्पॉन्ज फॉर्म को कट किया जाता है। इस स्पॉन्ज फॉर्म को यूज़ करने से पहले ETO में स्टराइल किया जाता है जिससे इन्फेक्शन ना हो। फिर इस स्पॉन्ज फॉर्म को ये डायबिटीज़ का जो घाव है या अल्सर है उस पर दबा के हम इसका फुटप्रिंट लेते हैं और ये इम्प्रिंट के हिसाब से इसे कट किया जाता है। ये जो स्पॉन्ज फॉर्म है इसको ये डायबिटीज़ के घाव के शेप में कट करते और वैक्यूम ड्रेसिंग की तैयारी करते। वैक्यूम ड्रेसिंग के लिए फिर स्पॉन्ज फॉर्म के नीचे रखने के लिए दो सक्शन ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। ये सक्शन ट्यूब्स को फिर हम घाव के ऊपर सीधा रख सकते हैं या तो स्पॉन्ज फॉर्म और स्पॉन्ज फॉर्म के ऊपर सक्शन ट्यूब और उसके ऊपर और एक स्पॉन्ज फॉर्म। ये दो तरीके से हम वैक्यूम ड्रेसिंग कर सकते हैं। स्पॉन्ज फॉर्म अच्छे से प्लेस करने के बाद ये प्लास्टिक ड्रेप नाम का मटेरियल हम यूज़ करते हैं। ये इन्फेक्शन रहित मेडिकल ग्रेड का प्लास्टिक रहता है जिससे हम वाटर टाइट सील करने में मदद मिलती है ताकि कोई एयर लीकेज ना हो। इसे हम मल्टीपल लेयर्स में घुमा घुमा के सील करते हैं। खास बात ध्यान रखनी ये ज़रूरी है कि ये प्लास्टिक रोल करने के समय ट्यूब खिसकनी नहीं चाहिए। तो ये प्लास्टिक ड्रेसिंग से हम इसको वाटर टाइट सील दे रहे हैं। ये जो ड्रेसिंग है ये ड्रेसिंग जनरली 3 से 4 दिन रख सकते हैं और अगर ज़्यादा इसमें से कचरा या फ्लूइड निकल रहा है तो 1 से 2 दिन। 200 से 300 के बीच में प्रेशर रखा जाता है सेटिंग को और ये वैक्यूम ड्रेसिंग को टेस्ट किया जाता है। ये ड्रेसिंग अगर बराबर लगा है और एयर टाइट है और बराबर सील हुआ है तो ये जख्म अंदर जाता है, स्पॉन्ज फॉर्म खींच जाता है नेगेटिव प्रेशर की वजह से। जैसे ही प्रेशर छोड़ता है तो वापस से फूल जाता है जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं, और वापस अगर लगा रहे तो वापस से अंदर जा रहा है, यानी ये ड्रेसिंग बराबर लग चुका है। इससे ब्लड सप्लाई बढ़ता है, घाव जल्दी भरता है और पेशेंट जल्दी रिकवर होता है और पैर काटने की नौबत कम आती है। 200 से 300 के बीच में प्रेशर सेटिंग रहता है। तो ये वैक्यूम ड्रेसिंग का इस्तेमाल हम डायबिटीज़ के जख्म को जल्दी भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम पे और सही इलाज लेने से पैर काटने की नौबत कम आती है और गैंग्रीन होने के चांस कम हो जाते हैं। वीडियो पसंद आए पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। भारत में काफ़ी सारे लोग डायबिटीज से पीड़ित है। सही वक्त पे सही इलाज लेने से हम गैंग्रीन को बचा सकते हैं और पैर काटने की नौबत को कम कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए योर सर्जन हेल्थ चैनल।